और लखनऊ में समाजवादी पार्टी की जो बैठक है वो हो गई है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगी है, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बताया। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। कल से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लिहाजा आज समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन हुआ। विधायकों का कहना है कि नेता विपक्ष का चयन हो गया है, बस नाम का ऐलान बाकी है। आज की बैठक में सत्र के दौरान उठने वाले उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो सदन में सरकार के सामने उठाए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिछले कई घंटों से समाजवादी पार्टी की यह बैठक जारी थी और जो नेता बाहर निकले, विधायक बाहर निकले, उन्होंने बताया कि अब फैसला हो चुका है और नाम का ऐलान अखिलेश यादव खुद करेंगे, क्योंकि जो अंतिम फैसला था वो अखिलेश यादव को ही लेना था और साथ ही कल जो मुद्दे उठाए जाने हैं उसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। सर, क्या कुछ आज बैठक में रहा? कल जो भी सवाल, आज पूरा प्रदेश जिस तरह से बिजली को लेकर परेशान है, किसानों को नारों में पानी नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। कल हम लोग विधानसभा शुरू हो रही है उसमें लड़ने का काम करेंगे। नेता विपक्ष के लिए भी आज ऐलान होना था, उसको लेकर क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है? सबकी आप राय में सहमति बन गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसकी जानकारी देंगे कि आखिर नेता विपक्ष किसे बनाया जाए, लेकिन इतना तय है समाजवादी पार्टी विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी, ऐसा इस बैठक में तय हुआ है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, इससे पहले आज शाम 4 बजे लखनऊ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विधानसभा सत्र को ठीक से चलाने को लेकर यह बैठक होगी और स्पीकर सतीश महाना ने यह बैठक बुलाई है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और सभी दलों के प्रमुख नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र कल से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कई अध्यादेश और बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो कल से सदन की शुरुआत हो जाएगी नए सत्र की और आज बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और साथ ही उप मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही तमाम नेता मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी समेत यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो पिछले 4 घंटे से बैठक चल रही है जिसमें तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं कि उनके राज्य को कैसे विकसित किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार से बाढ़ की तबाही से प्रभावित लाखों लोगों के परिवारों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार का उदासीन रवैया चिंता की बात है। उन्होंने सरकार को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था से परेशान लोगों के जीवन स्तर में सुधार की नसीहत दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 112वें एपिसोड को प्रसारित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम्स पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बाघों के संरक्षण और 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी बात कही। तो आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रसारण हुआ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज बैठक भी जारी थी जिस दौरान मन की बात का प्रसारण हुआ था। तो बैठक के बीच में ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा सभी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और पीएम ने आज कई बड़ी बातें मन की बात में कही। उन्होंने ओलंपिक
के मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने कहा कि एथलीटों का हौसला बढ़ाना चाहिए और साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और हर घर तिरंगा अभियान को एक बार फिर से उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 15 अगस्त को सभी को अपने घर पर तिरंगा लगाना है। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए, चीयर फॉर भारत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा बाघ मित्र कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में है। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति ना बने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी हैं। मैंने यहाँ कुछ ही प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। मन की बात कार्यक्रम में आपसे एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़ें और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभियान से जुड़कर आपको अपनी माँ और धरती माँ दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एहसास होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी से देश की शान तिरंगे के साथ एक साल अपनी सेल्फी लेकर अपलोड करने की अपील की है और आइए भारत माता के सभी वीर सपूतों, अमर बलिदानियों और राष्ट्रभक्तों के स्मृतियों को नमन करते हुए इस जन आवाहन में हम सब जुड़ें।